करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बी के चोपड़ा ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सफल लोगों के पीछे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। वह चोपड़ा कॉलोनी में ज्ञान गंगा डिफेंस अकादमी के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे। अभिभावकों को संबोधित करते हुए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बी के चोपड़ा ने कहा कि स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन आपको सफल होने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। फौज या अन्य विभागों के पदों पर पहुंचने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। फौज में जाने के लिए आप दिमागी और शारीरिक रूप से मजबूत होने चाहिए। हरियाणा में शारीरिक रूप से मजबूत होना कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा से बहुत अभिनेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी इंसान के जीवन का, और ये हम सब की कोशिश रहती है, सब जिसको बोलते हैं संस्थाओं की कोशिश रहती है, पूरे क्या कहते हैं सरकारी संस्थानों की कोशिश रहती है, और चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और ये जिम्मेवारी है स्टेट की के उनके स्टेट में और कंट्री में केंद्रीय उनकी सरकार की जिम्मेवारी है कि पूरे देश की जो शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और जब शिक्षा को हमने आगे बढ़ाना है तो उसके लिए कई साधन होते हैं, उनमें से एक साधन ये है जिसमें कि हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या हमको कुछ डिफेंस एकेडमीज या हमको कुछ ऐसे संस्थान खोलने पड़ते हैं या ऐसे रास्ते दिखाने पड़ते हैं जिनसे बच्चों को या जो भी इस तरह से इस फील्ड में अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं उनको एक सहायता मिल सके, उनको एक मार्गदर्शन मिल सके और उनको एक जिसको बोलते हैं कि सिखाए हुए तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर तरीके से उनको शिक्षा दी जाए, ताकि उनका जो ध्यान शिक्षा में जो भी वो समय लगा रहे हैं उसका रिजल्ट हो, उसका परिणाम जो है वो आशाजनक हो और उनको आगे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान का वो अपने ऊपर तो कर ही सकें, साथ में समाज और देश के भी वो काम आना चाहिए। और इसके अलावा उनको जो आगे जो एजुकेशन लेनी है, हायर एजुकेशन लेनी है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें बहुत इससे इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे लगता है ये डिफेंस एकेडमी का खुलना जो है ये शिक्षा के लिए एक पॉजिटिव योगदान है और ये होने से बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मुझे पता चला, मुझे मेजर राम कुमार साहब ने बताया कि प्रवीण कुमार गुप्ता यहाँ पे गोहाना में एक डिफेंस एकेडमी खोल रहे हैं। तो पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाम ही डिफेंस एकेडमी रखा है, तो नाम ही काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहे, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा, लोग सुन के ही कि भाई इसका जो है वो डिफेंस से कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर होगा और डिफेंस से रिलेटेड जो एजुकेशन है या कोचिंग है या जो और भी जो आगे कुछ गाइडेंस वगैरह देनी है वो शायद ये लोग इन्होंने दिमाग में रखा होगा। तो इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, इन्होंने क्या इनका आगे का विजन है वो इन लोगों ने अपने दिमाग में रखा होगा। बट इतना ज़रूर है कि जो इस समय जो मुझे जितना पता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, एक साहसिक कदम है और एक जिसको बोलते हैं कि जिसकी तारीफ करनी चाहिए, एक वैसा कदम है। आगे ये कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना उसको डेडिकेशन अपना दिखाते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं और बच्चों का उसमें जो इसमें ज्वाइन करेंगे उनको किस तरह से उनमें जोश पैदा करते हैं और एक उत्साह पैदा करते हैं कि वो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके यहां से जो प्रेरणा या शिक्षा मिल सकती है उसका पूरा फायदा उठाए। गंगा डिफेंस एकेडमी का, उनके द्वारा हमारे एकेडमी का उद्घाटन होना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वो आने वाले समय में भी जो यहां पर विद्यार्थी पढ़ेंगे उनके ऊपर उनका आशीर्वाद और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ज्ञान गंगा डिफेंस एकेडमी, जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि हम इसमें थर्ड क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स को शिक्षा देंगे। वो शिक्षा थोड़ी सी भिन्न होगी। किस तरह से भिन्न होगी? स्कूलिंग आप समझते हैं, जैसा कि प्रीवियस में होता चला आया है कि क्लास में जिसमें बच्चा एडमिशन लेता है तो नेक्स्ट उस क्लास में चला जाता है, उससे नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दिस, इस तरह से क्लासें उनकी जो है आगे से आगे चलती रहती हैं। लेकिन इस चीज को
पढ़ाते हुए लगभग 23 वर्ष हो गए और पिछले लगभग 7 वर्षों से मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मेरे दिमाग में आया कि ये जो रूटीन चल रहा है क्या इसमें कोई चेंज हो सकते हैं, अगर चेंज हो सकते हैं तो वो किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो मन बनाया कि एक डिफेंस एकेडमी होनी चाहिए जो समाज के अंदर एक परिवर्तन ला सके। किस तरह का परिवर्तन? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब 3rd class या 4th class में एंटर करते हैं तो उनमें लगभग कॉम्पिटिटिव जो बैकग्राउंड है वो उस समय तक तैयार नहीं होती है, और जबकि हमारा आने वाला समय जो है वो पूरे कॉम्पिटिशन का है। जो बच्चे हमारे पास यहाँ पर आएंगे वो 3rd class से लेकर 8th class में 3rd, 4th, 5th वाले जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राई स्पोर्ट्स, नवोदय विद्यालय या गुरुकुल जैसे संस्थानों में भाग लेने के लिए उनको अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम वर्बली, डिजिटली इस चीज को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा गोहाना शहर है यहाँ पर पहले भी 1-2 संस्थान इस तरह की तैयारी करते रहे हैं, लेकिन ज्ञान गंगा की क्या आवश्यकता पड़ी? ज्ञान गंगा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो बच्चे कुछ अतिरिक्त मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उनको हम अपनी मेहनत के द्वारा, क्योंकि हमने जो स्टाफ है दिल्ली, यूपी यानी कि अदर स्टेट से भी बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं और वो बच्चों को डिजिटली विशेष रूप से जो जिसमें वो अपने पारंगत हैं उसकी कोचिंग की व्यवस्था रखेंगे। यहाँ पर दूर दूर से जो शिक्षक समाज हमारे पास उपस्थित है, आज आप उनसे परिचय भी करेंगे, मिलेंगे उनसे, उनकी आपको योग्यता का भी पता लगेगा। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, हमारा निमंत्रण आप लोगों ने स्वीकार किया है, मैं आप लोगों का भी धन्यवादी हूँ। यहाँ पर जो बच्चे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, डिफेंस एकेडमी देने का जो हमारा पर्पज है, डिफेंस, जनरल साहब आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, डिफेंस के रिगार्डिंग नहीं है, इसीलिए आप लोगों के बीच में आज डिफेंस वाले लोग बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं दोबारा से इन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन।